तो अगर कोई भी आपके पास पॉइंट चार्ज है, इसे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज से क्यू है अपॉन इनवर्स स्क्वायर लॉग वो भी करता है। अगर सोर्स चार्ज सेम है ना, और हम लोग क्या वेरी कर रहे हैं, डिस्टेंस वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब कि फॉर सेम क्यू ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ई टू अपॉन ई वन किसके इक्वल हो जाएगा, आर टू बाई आर वन की आर वन बाई आर टू का स्क्वायर। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये 2/1 है, तो यहाँ 1/2 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर। अब बताइए ई टू दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 16 न्यूटन पर कूलम है, और अपॉन 9 हो गया, ये हो गया। आर वन कितना दे रखा है, पहले वाली डिस्टेंस 4 दे रखा है, और आर टू निकालना है अपने को, स्क्वायर है ये, बताइए किसका स्क्वायर है, 4/3 का स्क्वायर है। तो आर टू कंपेयर कर ले, आर टू कितना आ गया, 3 आ गया, तो यहां से आप सॉल्व कर लोगे आर टू 3 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 का सी सही हो गया। नोट कर लो, थ्योरी वाले भी कर लो, बोर्ड डाल देना, बोर्ड 2000 क्या लिख देंगे हम लोग, 2023 वन मार्क्स क्वेश्चन है ना। तो देखो इसका डायरेक्ट है ना, एक डायरेक्ट रिजल्ट ही है, अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है तो किसी पॉइंट चार्ज क्यू के द्वारा जो पोटेंशियल डेवलप किया जाएगा किसी आर डिस्टेंस पे, वो जो पोटेंशियल वी आर होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। इसका मतलब वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन अगर डाइपोल हो तो डाइपोल के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो डाइपोल है उसका एक एक्स्ट्रा ही पावर आ जाता था, किसी थीटा पे हमने कैलकुलेट किया था, याद है, ठीक है, किसी पॉइंट पी पे और इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे। तो जो आपका पोटेंशियल आया था इस पॉइंट पी पे दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना था, पी बाई आर स्क्वायर था, कॉस थीटा भी था, तो बस समझ में, जब यहाँ थीटा था। इसका मतलब जो ये वी है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ये बात समझ आ गया। तो डाइपोल में हमेशा एक पावर नीचे बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज का है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने लिखवाया भी था, है ना। और पोटेंशियल के टर्म में भी यही बात है कि ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका एक ज्यादा हो गया आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, ए करेक्ट हो गया, 1/x2, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए, पढ़ लो पूरी बात, एक्सिस में कहीं भी ले लोगे, एक्सिस पे भी लोग कोई दिक्कत नहीं है, एक्सिस पे भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। थीटा क्या हो जाएगा एक्सिस पे, 0 या 180, उधर वाले पे पॉजिटिव की तरफ ले लेंगे तो हम लोग 0 लेंगे, और निगेटिव तरफ लेंगे तो जो प्लस माइनस आएगा वो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, जो लाइन चार्ज है
ये सपोज लाइन चार्ज है, और यहां से आर डिस्टेंस पे जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ई की वैल्यू कितनी थी? दैट इज 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई क्या था? आर था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा एफ। और एफ क्या होता है? फोर्स क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यू का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई क्या हो गया? आर हो गया। लेकिन ये जो फोर्स है ये इसको सर्किल पे घुमा रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। क्या कर रहा है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम कहेंगे कि जो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर इंटू ई है दैट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किससे कंपेयर कंपेयर करते हैं? एमवी स्क्वायर बाई आर से। एम वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो ये आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ से एमवी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से आ गई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू क्या आ गया? ई आ गया। ये आपका क्या हो गया? एमवी स्क्वायर। और ये काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाफ एमवी स्क्वायर होता है, और एमवी स्क्वायर वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, तो 1/4 हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू ई हो जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड वाले पार्ट में ग्राफ खींचना है, किसके किसके बीच? थर्ड वाले पार्ट में काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी वाई सर एक्सिस पे जाएगा और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एक्स एक्सिस पे जाएगा। ये बात समझ में ना? तो दैट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो जो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा, वेरिएशन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा, तो दैट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और स्लोप क्या हो जाएगा? ये ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे स्लोप लिख देंगे। क्या आ रहा है वीडियो में भी आ रहा है? सर 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 आ रहा है तुम्हारा वीडियो है। सर ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, समझ में आ गया? तो सोचिए थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। अगर देखिए यहाँ तक तो सब लोग पढ़ाते पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी है, लेकिन इसके बाद आपका एप्लीकेशन हो गया थोड़ा सा। तो जब अच्छे क्वेश्चन नहीं किए रहेंगे, जैसे आपके इसके नीट उट के क्वेश्चन आते हैं या फिर है ना एम्स के आते हैं, ये सब प्रैक्टिस में रहेगा तो ये बड़े आराम से चीज़ें डील हो जाएगी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नोट कर लो, लिखो, हेडिंग डालो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्फेरिकल सेल। हाँ, स्फेरिकल सेल। देखिए मान लीजिए देर आर, ठीक है, स्फेरिकल सेल, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं, है ना। तो ये भी हॉलो है, बाहर वाला भी हॉलो है, हॉलो के अंदर हॉलो है, ठीक। और हम लोगों ने क्या किया, इसे Q1 चार्ज दिया, Q1 चार्ज, इनर जो हमारे पास इनर स्फीयर था इसे Q1 चार्ज दिया गया। अब जब इसे Q1 दिया जाएगा तो हमारे पास कितने सरफेसेस हैं? एकदम अंदर वाला 1, इसके जस्ट बाहर वाला 2, ये अंदर वाला 3, और सबसे बाहर वाला क्या हो गया? देर आर 4 सरफेसेस। तो हर सरफेस पे चार्ज कितना स्क्वायर होगा ये हमें जानना है, ठीक है।
तो वी हैव टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच सरफेसेस, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेंगे डिटरमाइन, चार्ज ऑन ईच सरफेस, अब देखिए ये Q1 स्फीयर, अंदर वाले स्फीयर को दिया गया है, सपोज इसका रेडियस कुछ R1 होगा और इसका रेडियस क्या है R2 मान लिया हम लोगों ने, ठीक है? तो इस वाले स्फीयर को दिया गया चार्ज, अब अगर हम लोग बात करें अंदर गॉसियन सर, हम लोग कहेंगे कि सरफेस वन पे जानना चाहते हैं हम लोग कि कितना चार्ज आएगा, सरफेस वन पे हमने दिया ऊपर है, सरफेस वन पे जानना चाहते हैं। तो अगर हम लोग कहें कि ये सपोज काफी थिकर है ताकि हम लोग अंदर एक गॉसियन सरफेस बना पाए, तो एक हमने गॉसियन सरफेस लिया विद इन द मेटल, है ना? ये ठीक है, ये मेटल के अंदर हमने क्या लिया है, गॉसियन स्फीयर ले लिया एस। अब बताइए इसके थ्रू अगर हमने मान लिया कि इसके ऊपर चार्ज से Q1 आया है, पहले वाले सरफेस से कितना चार्ज आया है, Q1 आया है, तो हमने कहा कि Q1 यहाँ पे अंदर वाले सरफेस पे है, इस गॉसियन सरफेस जो हमने अभी डॉट डॉट ड्रॉ किया है जो किसके अंदर है, मेटल के अंदर है, तो उसके थ्रू कोई फील्ड लाइंस नहीं होंगी, और अगर कोई फील्ड लाइंस नहीं है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे फाई जो नेट फ्लक्स है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन फाई नेट क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, जीरो हो जाएगा। लेकिन क्यू इनक्लोज क्या है, Q1 है, तो Q1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो सरफेस वन है वो कोई भी चार्ज रिसीव नहीं करेगा, पहली बात। ये बात समझ में आ गया? अब हम लोग आगे चलते हैं कि सरफेस टू के पास कितना चार्ज होगा, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, मान लो इसके ऊपर चार्ज Q2 था, तो हम लोग जानते हैं कि Q1 प्लस Q2 अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन किसके इक्वल होना चाहिए, इस क्यू दे रहे हैं ना, Q1 कोई मतलब है नहीं क्योंकि टू है नहीं, तो वन से कोई मतलब है ना। तो हमने कहा ये क्यू के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये वाला स्फीयर आइसोलेटेड है, यहाँ से चार्ज किसी दूसरे स्फीयर पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब Q1 जीरो हो चुका है, इसका मतलब Q2 क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। इसका मतलब जो सरफेस टू है वो कितना चार्ज एक्वायर करेगा, Q चार्ज एक्वायर करेगा, कन्फर्म है, ठीक है? इसी तरह से मान लेते हैं कि जो थर्ड वाला सरफेस है वो Q3 चार्ज रखता है और जो फोर्थ वाला सरफेस है Q4 है। तो अगर हम लोग एक फिर से गॉसियन सरफेस ले लें विद इन द किसके, हाँ जो आउटर स्फीयर है सेल के अंदर घुस गए हम लोग और उसके अंदर अंदर हमने ले लिया, ये अंदर अंदर है, तो हम कहेंगे कि सपोज ये आपका S1 था गॉसियन सरफेस, ये वाला S2 गॉसियन सरफेस है, तो S2 गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी वो गॉसियन सरफेस कहाँ है, विद इन द मेटल है, और मेटल के अंदर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन देर इज नो फील्ड लाइन। इसका मतलब कि फाई जो नेट हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, किसके लिए, फॉर गॉसियन गॉसियन सरफेस S2, ठीक है? फिर यहां से क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये बताइए इस S2 के अंदर कौन कौन सा चार्ज है, Q1 तो जीरो, Q1 है, Q2 है और Q3 है, Q4 तो बाहर हो गया और बाहर की वजह से कोई भी नेट फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं माना जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। लेकिन Q1 पहले जीरो कैलकुलेट कर चुके हैं और Q2 को क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, कैपिटल Q, तो Q3 आ जाएगा, Q3, तो दैट इज Q3 इक्वल टू -Q। इसका मतलब जो इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा वो माइनस टाइम्स जो इस वाले सरफेस पे है, ये बात समझे? हाँ,
अब हम बात करते हैं बाहर Q4 के बारे में, ठीक है? तो फिर बाहर हमारा तभी नहीं है, चार्ज कंजर्वेशन लगा लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? क्योंकि ये वाला स्फीयर पे कोई भी चार्ज हमने दिया नहीं था, नेट चार्ज जीरो था पहले, तो बाद में भी नेट चार्ज जीरो रहेगा क्योंकि चार्ज आइसोलेटेड है ये। तो हम कहेंगे Q3 और प्लस Q4 का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। Q3 प्लस Q4 जीरो होना चाहिए। क्यों? अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, यहाँ लिख दे रहा है ना, चार्ज कंजर्वेशन। हाँ, वो जगह नहीं थी, ठीक है? तो Q3 कितना था? माइनस Q प्लस Q4, मतलब आदमी जगह बचा रहा है ना। देखो, मान लो ये दो स्फीयर हैं, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज, अंदर वाले स्फीयर को चार्ज Q1 दिया गया है और बाहर वाले को Q2 दिया गया है, ठीक है? आपको सारे सरफेसेस पे चार्ज बताने हैं, 1, 2, 3 और 4। टू डिटरमाइन द चार्ज रिसीव बाई ईच सरफेस, डिटरमाइन द चार्ज रिसीव्ड बाय ईच सरफेस। अभी जो थ्योरी हम लोगों ने डेवलप किया, हम लोग देख रहे थे कि जब इस स्फीयर को चार्ज देंगे हम, तो अंदर वाला कोई चार्ज रिसीव नहीं करेगा, तो Q1 क्या हो जाएगा? जो वन सरफेस है वो जीरो चार्ज रिसीव करेगा। हम प्रूफ नहीं दे रहे, डायरेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि पहले वाले प्रूफ को हम इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब जो ये Q1 चार्ज स्फीयर, अंदर वाले स्फीयर को दिया गया है, वो पूरा का पूरा आउटर सरफेस पे होगा। ये बात समझ आ गया? Q1 इस आउटर सरफेस, ये Q2 की वैल्यू हो गई, और जो अपोजिट सरफेस है इसके, इसी का निगेटिव टाइम्स होगा इंड्यूस चार्ज। तो जो इसके ऊपर इंड्यूस होने वाला है चार्ज, इस वाले सरफेस मतलब सरफेस 3 पर, वो माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा? ये Q1 है ना, क्या हो जाएगा? जो Q3 की वैल्यू हो जाएगी वो माइनस का क्या हो जाएगी? Q1 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया? अब अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, अगर माइनस का Q1 इधर है, तो प्लस का Q1 इधर इंड्यूस होगा, और Q2 और मिल रहा है इसको, तो टोटल कितना हो गया? Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 कौन सरफेस गेन करेगा? फोर्थ। ये बात समझ में आ गया? तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नोट कर लो, हो गया ये। अब देखिए, सेम जेई का क्वेश्चन पूछा गया था, देखो। तो इसको Q3 चार्ज दिया गया है ना, सपोज। तो अब बताइए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इधर देखो लड़की, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसे पूरा Q1 मिलेगा, इसका माइनस Q1, और ये प्लस Q1, और जो Q2 मिल रहा है ना, Q2, अब जितना इस सरफेस पे उसकी उसका निगेटिव, माइनस Q1 प्लस Q2, और इसका प्लस और प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसका रेडियस R दे रखा है, इधर क्या है, 2R है, और इधर 3R है, ठीक है, 3R। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस का कह रहा है, मतलब किसका? टू वाले सरफेस का। अगर सरफेस कहे हम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आउटर सरफेसेस क्या हो गए? σ2 है ना, σ4 और σ6, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज ऑन द सरफेस अपॉन एरिया। तो चार्ज ऑन द टू सरफेस, टू सरफेस चार्ज कितना है? Q1 है, तो Q1 अपॉन एरिया 4πr² स्फीयर का है ना। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, फोर्थ वाले पे, फोर्थ वाले सरफेस पे Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 4π, और रेडियस 2R है, 2R² और फिर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 4π, और रेडियस कितना हो गया, 3R². अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों बराबर है, σ1 σ2 σ, हाँ सॉरी, सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, σ2 σ4 और σ6 क्या है, बराबर है। ये हम नहीं, वो कह रहे हैं ना,
एटीक्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू डाल दे, तो जितनी कांस्टेंट चीजें हो ना लिखे, 4 पाई r² हर जगह आ रहा है तो ना लिखे, वो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, q1 अपॉन कुछ नहीं 1 है ना, और उधर जाए q1 प्लस q2 अपॉन 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा q1 प्लस q2 और प्लस q3 अपॉन 9, और इक्वल्स टू k एज्यूम कर ले रहे हैं, से लेट कर ले रहे हैं, इसका तो q1 क्या हो गया, k हो गया है ना, और q1 प्लस q2 4k हो जाएगा, देख लो q1 प्लस q2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 डबल लाई होगा तो 4k हो जाएगा, इसका मतलब कि q1 उधर जाएगा तो q2 कितना आ जाएगा, q2 आ जाएगा 3k। यहां से देखो q1 प्लस q2 प्लस q3, q1 प्लस q2 प्लस q3 किसके इक्वल हो जाएगा, 9k, तो q1 प्लस q2 कितना था, 4k था, तो उधर जाके 5k बचेगा, तो q3 कितना हो गया, 5k। इसका मतलब q1 रेशियो q2 रेशियो q3 कितना आ गया, वन रेशियो थ्री रेशियो फाइव हो गया।